राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है दिन सोमवार और आज मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो कौन सी पूजा है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो पहले तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ चौक, क्योंकि आंगन में करेंगे हम लोग पूजा। तो पहले मैंने ना हल्दी से किया है पीला, कहते हैं कि हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए। उसके बाद आटे से यहाँ पर चौक पूर रही हूँ, जो कि मतलब अच्छी, जब कोई घर में शुभ कार्य होता है तो चौक ज़रूर पूरना चाहिए। किसी की स्थापना करनी हो तो चौक पूर के ही करनी चाहिए। तो मैं बस आटे से चौक लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ करनी है तुलसी माता की स्थापना। यानी तुलसी माता को यहाँ मुझे बिठाना है, लाना है, विराजमान करना है, तो इसीलिए चौक लगा रही हूँ। इस पर मैं डालूँगी चावल, चावल या गेहूँ जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चावल डालूँगी थोड़े से, क्योंकि नीचे थे गेहूँ, ऊपर नहीं थे। मतलब अन्य डालते हैं जो भी हो आपके पास, बाजरा, जौ, कुछ भी। तो बस मैंने यहाँ पे अपनी तुलसी माता का गमला रख दिया है और उनको ओढ़ा दूँगी चुनरी, क्योंकि आज मुझे करनी है पूजा। आज है सोमवती अमावस्या, तो सोमवती अमावस्या पे आपको परिक्रमा लगानी होती है। तो आप चाहें तो तुलसी की लगा लें, चाहे पीपल की लगा लें, आपको जो भी सही लगे। तो बाहर नहीं जाते हैं, अगर घर में तुलसी है तो घर में तुलसी माता की भी पूजा हम कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे, बाहर तो नहीं गई थी क्योंकि तबीयत, तो आपको पता ही है तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है बहुत ज़्यादा अभी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो बस यहाँ पे तुलसी माता को मैंने विराजमान कर दिया है। और बस मम्मी से पूछती जा रही थी कि क्या क्या, और क्योंकि हर साल हर बार भूल ही जाती हूँ कुछ ना कुछ। तो और इधर मैं सारी से सामान जो है पहले रख लूँगी पूजा का, क्योंकि बार बार उठने में मुझे भी दिक्कत होती है इसी वजह से। मतलब आसन वगैरह जो भी होगा पूजा में जो सामान रखा जाता है वो सामान, और जिसे मैं परिक्रमा लगानी होती है वो, तो परिक्रमा जो है मम्मी लगाएंगी किसमें से, मैं लगाऊंगी अंगूर से। तो मैं वैसे वाले अंगूर से तो लगा चुकी थी जो वैसे होते हैं ग्रीन वाले, तो यहाँ काले अंगूर ये लाए थे, तो इसी से मैं लगाऊंगी। मैंने गिन के रख लिए हैं दोनों का सामान, जल का लोटा भर लिया है। और मम्मी जो है वैसे ज़मीन पर नहीं बैठ पाएंगी, तो वो अभी कुर्सी मतलब बिछाऊंगी तो कुर्सी पर वो बैठ के आराम से पूजा करेंगी। तो वो मुझसे मैं कह रही थी कि यहाँ पर गौर बना लो, यानी शंकर गणेश जी बनाए जाते हैं। अभी जैसे देखिए जिसके यहाँ जैसी होती है वही हिसाब है, कहीं कैसी भी पूजा होती है, कहीं किस तरीके से होती है, हमारे यहाँ इस तरीके से ही होती है। तो मैं बस यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, धूप वगैरह लगा रही हूँ, और हल्दी से बनाए जाएंगे गौर शंकर जी और पार्वती जी। तो क्योंकि ये पूजा जो होती है वो सुहागनों की पूजा होती है, ये सोमवती मावस सुहागनों की पूजा होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूजा में रोली, चावल, हल्दी, चंदन और चूड़ी, बिंदी, सिंगार का सामान जो भी आपके पास है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, चूड़ी बिंदी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वही रख लिया है। और दो मैं अपना बना रही हूँ शंकर पार्वती जी को, उसकी पूजा होगी और तुलसी माता की पूजा होगी। तो बस मैंने कर ली है, बना लिए हैं। इधर मम्मी रोली चावल से पूजा करेंगी, इधर हम भी करेंगी तो पहले तुलसी माता को मैं जल चढ़ा रही हूँ, और उसके बाद में यहाँ ना अभी हमारी तुलसी माता छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो थोड़ी सी मैंने एक डंडी लगा करके ही चुनरी को अच्छे से सेट किया था, क्योंकि चुन्नी की वजह से वो झुक रही थी, पतली सी है ना अभी। तो यहाँ तुलसी माता का भी मैंने पूजन किया है, उनको चूड़ी चढ़ाई है। तो ये चूड़ी जो है वो अभी उनको चढ़ा दिया जाएगा, मतलब चढ़ा दी जाएंगी, और फिर प्रसाद में आप इनको खुद पहन सकते हैं। बिंदी लगा दूंगी, चूड़ी पहना दूंगी, यही है। और उसके बाद में पूजन करके मीठा वगैरह जो भी हो, तो जो भी मीठा था घर में मैंने वही रख लिया है। और मैं फिर भी कुछ ना कुछ भूल गई थी, तो मैं चावल भूल गई थी चढ़ा लेना पूजा में, तो मैं वही लेके आई हूँ। तो हो जाता है ना, और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है तो वैसे भी मतलब इधर रहता है दिमाग में से चीज़ बहुत सारी निकल जाती है। तो पूजा करने के बाद जिस पे हम पूजा करते हैं ना, जैसे कि तुलसी का बिरला होता है, जैसे गमला है, तो इसी पे हम लगाएंगे। टिपकी लगाई जाती है उंगलियों से 108, तो 108 मम्मी ने अपनी लगा दी है और मैं भी लगा रही हूँ। तो हल्दी से लगाई जाती है, हल्दी या रोली, या आप मिक्स कर लीजिए दोनों चीज़ें, ऐसा कर सकते हैं। तो वही मैं 108 अपनी बिंदियाँ लगा रही हूँ, ऐसा होता है, मुझे नहीं पता क्यों होता है, लेकिन ये करते हैं हम लोग इस तरीके से। और पता नहीं कौन क्या करता होगा, लेकिन यहाँ इसी तरीके से होती है। अच्छा, मेरे मायके में नहीं होती है सोमवती अमावस्या, यहाँ होती है, तो उसी हिसाब से भाई मैं जो यहाँ मम्मी करती हैं उसी हिसाब से मैं भी करती हूँ। तो बस यहाँ पे वही लगा के और हम लगाएंगे परिक्रमा। और आज जो है भोजन में बनता है
मतलब कुछ भी ऐसे अमावस्या पे तो वैसे भी मतलब पक्का ही खाना बनता है, पूरी पराठा, रोटी नहीं बनती, कच्चा खाना नहीं बनता है। तो बस हमारी यहाँ पे पूजा हो गई है और अब हम लगाएंगे परिक्रमा। तो परिक्रमा का क्या होता है ना, जैसे कि पीपल वगैरह हो या तुलसी का बिरला बड़ा सा हो, थोड़ा ज़्यादा घूमते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। और ये ऐसे अपने घर में हम करते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं, एकदम थोड़ी सी जगह होती है तो उसमें घूमते 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 चक्कर आने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग लगा रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि मैं पता नहीं परिक्रमा लगा पाऊंगी या नहीं पूरी, पर मम्मी बोली तुम एक भजन गा लो, क्योंकि भजन गाने से ना पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी परिक्रमा लग जाती है और माइंड हमारा जो डाइवर्ट हो जाता है भजन की तरफ। नहीं तो अगर बिन चुप चुप लगाते हैं ना तो फिर ये लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, मैं घूम रहा था। तो बस एक भजन सुनाऊंगी मैं आपको, अब सुनिएगा ज़रूर। तो बस हमारी यहाँ परिक्रमा लग चुकी है, दो भजन गाए थे, दो भजन में परिक्रमा पूरी हो गई और पता भी नहीं चला, नहीं तो डर लग रहा था कि कैसे लगेंगी। बस अब यहाँ पे लगा देंगे भोग जो भी है और टीका लगाया जाता है, सिंदूर लिया जाता है माता से।
मतलब जो भी है आपके पास, जो आपने उसमें रखा है ना थाली में, वो हाथ में लिया जाता है, माता रानी को चढ़ाया जाता है, तुलसी माँ को, फिर वो सुहाग में लिया जाता है। तो बस मैंने यहाँ प्रसाद चढ़ा दिया है और सिंदूर लगा लिया है, टीका लगा लिया है। बस मम्मी पता नहीं क्या करने गई थी, तो मम्मी आ रही होंगी, मम्मी के भी टीका लगाना है और उसके बाद प्रसाद लेके और क्या बोलते हैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर से हो गए थे, लगभग 12 से बज गए थे, क्योंकि अभी थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है इस वजह से और ऐसे ही बैठ गई थी मैं, मैंने कुछ नहीं किया, बस सर धो के, आज सर भी धो लेते हैं क्योंकि सोमवती अमावस्या को सर धो लिया जाता है, वैसे अमावस्या को सर नहीं धोया जाता। तो मैंने बस सिंदूर डाला था, बाकी कुछ नहीं किया। जो भी घर में साड़ी पहनी थी वही पहन ली मैंने, कोई कुछ नहीं लगा, क्योंकि अब तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ चीज़ का मन ही नहीं करता। वैसे भी आपको पता है मैं ऐसे ही जैसी होती हूँ वैसे ही मैं अपना कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है पूजा हो गई है, जल जो था वो मैंने चढ़ा दिया है वृक्षों में, कुबेर का वृक्ष उस पेड़ है ना पौधा, उस पर चढ़ा दिया है। बाकी कुछ तुलसी को, तुलसी में ज़्यादा जल नहीं चढ़ा सकते हैं, वो फिर गलने लग जाती है, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और यहाँ मम्मी के पैर छू लिए और पापा के भी छूने जाऊँगी। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं अपना आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और खाने में बनाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, कुछ पराठा और सब्ज़ी ही बनाऊँगी। पूरी का किसी का मन नहीं था, क्योंकि सुबह आज हनु भैया सुबह ही गए हैं आज, तो उनके लिए पोहे बनाए थे नाश्ता में और पराठा बना दिया था रखने के लिए, तो कुछ वो भी रखा। ये चले गए नाश्ता वास्ता करके अपना, तो इन्होंने भी मना कर दिया कि मैं नहीं खाना खाऊँगा, मेरा नाश्ता हैवी हो गया है। तो बस मैं, मम्मी पापा और बच्चे हैं, बच्चे भी स्कूल से आए नहीं हैं, तो पराठा सब्ज़ी बना लूँगी बस और चाय पीऊँगी पहले तो, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रही थी, जहाँ तक बहुत ज़्यादा वो हो गए थे और मम्मी को मैंने एप्पल दे दिया है, मैंने कहा जब तक आप एप्पल खा लो और फिर इसकी बस चाय, मम्मी ने कहा पहले चाय ही बना लो, क्योंकि थोड़ी सी भाई टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, नहा के फिर पूजा पाठ करी और ठाकुर जी वाकुर स्नान कराया, फिर पूजा की तैयारी करी ये वाली, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम तो हो ही गया था। तो बस यहाँ चाय बना लेती हूँ और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, किसके बाद मैंने ब्लॉग शूट किया ही नहीं था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।